नीतीश चाहिए ना तेजस्वी चाहिए, तो चाहिए कौन? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जी तीसरा विकल्प में तैयार है। जंगल राज पार्ट टू चल रहा है सर, आए दिन दो जंगल राज पार्ट टू। हाँ जंगल राज पार्ट टू चल रहा है सर, आए दिन रेप हो जा रहा है, चोरी डकैती आठ दिन पर दिन बढ़ल जा रहा है। बिहार के युवाओं को पलायन नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, खाली बोली है, खाली बोली, खाली बोली है। अरे एक बार भरोसा तो, अरे नहीं भरोसा करेंगे, एक बार भरोसा तेजस्वी यादव पर करेंगे। हमको पार्ट वन और पार्ट टू दोनों में से कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, कौन चाहिए? जो बिहार को प्लान को रोके। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जी। नीतीश कुमार कैसे ना, वो अब रिटायर हो चुके हैं। प्रशांत किशोर, उनको तो अभी टैलेंट नहीं है बिहार में, अब तो उतना अभी अभी उसको पकड़ नहीं है, कैसे हो जाएंगे? यादव को बनाएंगे, पढ़ा लिखा है ना, पढ़ा लिखा ही में संविधान में लिखा हुआ है। आपको दारू पीना है? हाँ पीना है, ये हाँ पीना है, दारू पीना है, हाँ पीना है ना। मुख्यमंत्री तो तेजस्वी बने, तेजस्वी को चाहिए, एकदम तेजस्वी चाहिए। नीतीश कुमार ना, तेजस्वी नीतीश कुमार, नीतीश कुमार तेजस्वी रट रहा है, रटने दीजिए तेजस्वी। तेजस्वी रटने के लिए तो तीन बार तीन टर्म से तेजस्वी तेजस्वी रट रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाले हैं, और ऐसे में हम जानेंगे कि बिहार की जनता जो है बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे किसे देखना चाहती है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की तरफ से फिर से एक बार नीतीश कुमार के चेहरे को आगे किया गया, तो वही इंडिया गठबंधन से तेजस्वी यादव को भी आगे किया गया। लेकिन आपको बता दें कि एक और नाम जो है वो नया जुड़ रहा है, जन स्वराज के जो संस्थापक है प्रशांत किशोर। क्या प्रशांत किशोर भी इस दावेदारी में है? क्या प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बन पाएंगे? जैसा कि उन्होंने साफ तौर पर वादा किया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जो हमारे बिहार के जो युवा नौजवान हैं उन्हें बिहार छोड़ करके पलायन करके बाहर जा करके जॉब नहीं करनी पड़ेगी, हम बिहार में ही रोजगार देंगे। जनता है जनता से हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर बेहतर बिहार में कौन हो सकता है, मुख्यमंत्री के तौर पर बेहतर बिहार में कौन हो सकता है अभी फिलहाल के लिए? सर मुख्यमंत्री के तौर पर तो तेजस्वी यादव होंगे। तेजस्वी यादव, हाँ। और नीतीश कुमार जो कि बिहार को इतने सालों से बेहतर तरीके से चला रहे हैं, वो कैसे हैं? कहाँ बेहतर चला रहे हैं? जंगल राज पार्ट टू चल रहा है सर, आए दिन दो जंगल राज पार्ट टू। हाँ जंगल राज पार्ट टू चल रहा है सर, आए दिन रेप हो जा रहा है, चोरी डकैती आठ दिन पर दिन बढ़ल जा रहा है। अच्छा एक और नया चेहरा उभर कर सामने आया प्रशांत किशोर, उनका उनका अस्तित्व खराब है, वो मानसिकता खराब है उनका, उनका कुछ नहीं होने वाला है, उनका कुछ पढ़े नहीं लिखे है। बात पढ़े लिखे हैं, कभी बीजेपी के जाके नीतिकार बनते हैं, कभी केजरीवाल के, कभी ममता के, कभी नीतीश की, अभी खुद पार्टी बना के लड़ रहे हैं, उनका कोई भरोसा है जी? अरे बिहार के युवाओं को पलायन नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, खाली बोली है, खाली बोली, खाली बोली है। अरे एक बार भरोसा तो, अरे नहीं भरोसा करेंगे, एक बार भरोसा तेजस्वी यादव पर करेंगे। कहे कि वो आए थे तो काम किए थे, दिखाए थे, क्या काम किए थे? नौकरी दिए थे भैया, नौकरी दिए थे। हाँ था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नौकरी देते हैं क्या ला? वही नीतीश कुमार बोला था अपना बाबू के घर से पैसा लाओगे, कैसे निकला? दिए ना आए, कैसे नहीं दिए? दिए ना, काम मुख्यमंत्री आपके नजर में बेहतर तेजस्वी? हाँ तेजस्वी यादव है। कौन बेहतर? जैसे कि भाई बोले पार्ट टू, हाँ। नीतीश कुमार के राज में पार्ट टू तो चल ही रहा है, हाँ। तेजस्वी यादव के राज जब आरजेडी का सरकार था तब पार्ट वन चला था, हाँ। तो हमको पार्ट वन और पार्ट टू दोनों में से कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, कौन चाहिए? जो बिहार को प्लान को रोके, जो बिहार में छोटे छोटे जैसे नशा दारू बंद कर दी नीतीश कुमार, उनका स्कैम फ्री है, सगड़ो तो मिल ही जाता है फिलहाल में, जहाँ कीजिएगा होम डिलीवरी तो वो भी चालू हो रहा है, फिर बुजुर्ग सब जो 60 वर्ष से अधिक आयु के उनका 2000 रुपया पेंशन, 400 में आपका महीना का गुजारा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, तो उनका 2000 रुपया पेंशन मिल रहा है। देखिए तो उस इस सब चीज को जो बिहार में लाएगा, जो शिक्षा बढ़िया देना है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया से ठीक ठाक करने के लिए सरकार बोल रही है, हम उन्हीं को साथ जाएंगे। तो ना नीतीश चाहिए ना तेजस्वी चाहिए, तो चाहिए कौन? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जी तीसरा विकल्प में तैयार है। तैयार है बिहार की जनता? तैयार है बिहार की जनता, एकदम से तैयार है भैया। जो प्लान रोक रहे हैं, बताए सबसे ज्यादा बिहार में प्लान करते हैं लोग, बाहर ही कमाते हैं, और बोल रहे हैं हम खुद यहाँ रोजगार देंगे। प्रशांत किशोर जैसे कह रहे हैं कि हम पलायन रोक देंगे, तो ऐसा तो नहीं ना होगा कि जो मोदी जी आने से पहले बोल रहे थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे और लास्ट में बोल दिया कि जुमला था, तो जुमला नहीं होगा? देखिए बिना सरकार बने हुए जब जौन समय उनको कोई जानता तक था नहीं, उस टाइम वो बिहार का बिहारियों का सम्मान बढ़ाए, महाराष्ट्र में जब वो सरकार का जो राजनीतिक सलाहकार बने थे तो वहाँ सरकार बनवाए थे, उस टाइम उन्होंने बिहारी को वहाँ पर उनको पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, आपने हमारा सरकार बना दिया, तो उन्होंने बोला कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे बिहारी को आए दिन यहाँ पर गाली दिया जाता है, उस चीज़ को रोकिए। जब बिना जब हम लोग उनको जानते तक नहीं, वो हमारे बिहार के लिए बिहारियों के लिए आत्मसम्मान बढ़ा दिए। मतलब मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर चाहिए? जी जी। चलिए और लोग से जानते हैं, कहो चाचा बोलिए, मुख्यमंत्री बेहतर तरीके से कौन चला सकता है बिहार को, कौन मुख्यमंत्री? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जी। नीतीश कुमार कैसे ना, वो अब रिटायर हो चुके हैं,
रिटायर एगो नया नया है प्रशांत किशोर, उनको तो अभी टैलेंट नहीं है बिहार में, अब तो उतना कभी अभी उसको पकड़ नहीं है, कैसे हो जाएंगे डायरेक्ट? हम युवा उधर भाग रहा है, हम आ जाएंगे अखनी कहे कि प्रोजेक्शन मेरा हो जाता, हो जाएगा नहीं कैसे हो जाएगा एक दिन में? तो सब युवा कह रहा कि इस बार प्रशांत किशोर वो में नहीं, कैसे हो सब युवा से हो जाएगा नहीं? तो फिर प्रशांत किशोर को बनाना है ना? नहीं कैसे बन जाएगा, आज ऐबे किया तो अंत वो नेता हो जाएंगे, वो तो आज से है, वो तो कैसे प्रयास करें लड़ रहे हैं वो बनाइएगा, हाँ तेजस्वी यादव को बनाएंगे, सब कह रहे हैं पढ़ा लिखा है ना, तो पढ़ा लिखा ही में संविधान में लिखा हुआ है, तब सब कहता तो है पढ़ा लिखा है, क्या चला कहने वाला कहने दीजिए, संविधान में लिखा था तब ना हम जानते हैं, तो इसलिए बनाना है, हाँ बनाना है, नीतीश जी से क्या दिक्कत कोजे? नीतीश जी से क्या दिक्कत, चाचा से क्या दिक्कत? यही है कि वो दारू बंद करके सबके रोड पर ले आया है, सब दारू पूरा पी रहा है, आप सब रोड पर ऐसे गिर रहा है, सब मर रहा है आदमी, आप कह रहे दारू बंद दिक्कत है, तो प्रशांत किशोर तो कह रहे सरकार बने एक घंटा में दारू चालू करे, तो उनको अभी पास इतना जमीन अभी मजबूत ना है बिहार में कि वो डायरेक्ट बना लेंगे, कैसे आपको दारू पीना है? हाँ पीना है ये, हाँ पीना है, दारू पीना है, हाँ पीना है, हाँ तो चालू करेंगे, अब चालू ना करेंगे तो बात की बात है, बंद भी बंद में दारू है ना, बंद है दारू तो बंद है, सबको जान रहा है कि दारू बिहार में बंद है, पेपर में बंद है, पेपर में बंद है ना, पूरा के लिए स्टेशन पर पूरा एकदम पूरा खुलियाम, बल्कि 20 रुपया में पी लेता था आदमी, अब 100 रुपया लग रहा है। मुख्यमंत्री कौन? ना मुख्यमंत्री तो तेजस्वी बने, तेजस्वी को चाहिए एकदम, तेजस्वी चाहिए, नीतीश कुमार ना, तेजस्वी नीतीश कुमार से क्या दिक्कत है? दिक्कत तो पूंजीपति के सरकार है, गरीब के सरकार नहीं, हो बड़का के सरकार है, पूंजीपतियों के सरकार है, हाँ पूंजीपतियों के सरकार, गरीब का सरकार कौन? तेजस्वी, तेजस्वी सब कह रहा सरकार में जाएगा तो जमीन ले लेकर नौकरी देंगे, ना ना कुछ नहीं, वो कहे दीजिए ना, कहे वाला फिर नहीं एकदम तेजस्वी। मंत्री बेहतर कौन बिहार के? नीतीश कुमार, नीतीश कुमार ये लोग तेजस्वी रट रहा है, रटने दीजिए तेजस्वी, तेजस्वी रटने के लिए तो तीन बार तीन टर्म से तेजस्वी तेजस्वी रट रहे हैं, लेकिन जनता उनको मतलब पूर्ण तरह से मतलब नहीं रट रहा है, मतलब जनता नकार रही है क्या? जनता तो निकारी तब ना, तीन बार से मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, जनता अगर चाह जाती तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनते, बन ही जाते। अच्छा एक जनस्वराज है जो कि 2 अक्टूबर को पार्टी का रूप लेगी, तो जनस्वराज के जो संस्थापक है प्रशांत किशोर वो कैसा लगता है? देखिए प्रशांत किशोर नेता ठीक है इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं, और नीतीश कुमार का नेता बनाया हुआ प्रशांत किशोर का देन है, क्या नीतीश कुमार नेता बने हैं? अच्छा प्रशांत किशोर के देन से नीतीश कुमार नेता बने हैं, नेता बने हैं, कितना बड़ा बात बोल रहे हैं? हाँ सही बात बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर कोई मौनी का तोपा हुआ एथी नहीं है, प्रशांत किशोर बहुत पहुंचा हुआ नेता, कितने को नेता बना दिया, लेकिन अभी बिहार में उनको पनपने में कम से कम 10 साल समय लगेगा। फर्स्ट मुख्यमंत्री अगर बनना चाह रहे 25 में तो क्या आप लोग साथ दीजिएगा उनका? अगर बनना चाहेंगे तो जरूर साथ देंगे उनको, प्रशांत किशोर जी को साथ आएंगे तो बिहार का नीतीश जी का साथ छोड़ दीजिएगा? हाँ नीतीश जी का साथ छोड़ देंगे, नीतीश जी का साथ छोड़ दीजिएगा? हाँ छोड़ देंगे, प्रशांत किशोर का दामन थाम लेंगे? हाँ दामन थाम लेंगे। महाराज गजब पलट गए आप, पलटने की बात है, अगर पूर्ण बहुमत में अगर पूर्ण एथी में माहौल देखेंगे अगर आएंगे तो एक बार बिहार का बदलाव कर देंगे। अभी पलटू राम निकल गए 2 मिनट पलट के महाराज, पलटू राम के कौन बात, हम तो बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर नेता अच्छे हैं, अभी तुम थोड़े पलट रहे हैं कि मतलब उनको मतलब समर्थन कर रहे हैं, वो उस लाइक मूवमेंट बनाएंगे उस लाइक हवा उनको देखा जाएगा तभी तो उनका समर्थन किया जाएगा, ऐसा थोड़ा है कि आदमी को वोट बर्बाद कर दिया जाएगा, मतलब कि इधर ना देखे उधर आदमी वोट दे देगा। तब नीतीश कुमार विकास किया है बिहार में, नीतीश कुमार बहुत सा मतलब पटना को डेवलप किया, बहुत आगे बढ़ाया। अच्छा क्या कहिएगा मुख्यमंत्री के तौर पे तीन नाम जो है अभी चल रहा है, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और जनस्वराज, जो पार्टी जनस्वराज जो है वो 2 अक्टूबर को पार्टी का रूप ले लेगी, तो उनको कैसे देखते तीनों में से? पहला बात है कि तेजस्वी यादव के बारे में कहेंगे बिहार के ज्ञान का भूमि अनपढ़ नहीं बन सकता, दूसरी बात जनस्वराज के बारे में बोलेंगे कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन, वो नया है अभी 9वें दिन तक उछलेंगे कूदेंगे, बाकी आप कुछ नहीं सकते, और जो पुराना है वही हीरा है, यानी नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार था, नीतीश कुमार रहेगा। सुनिए ना कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी कि हमारे जो भाई बाहर पलायन करते हैं उनको हम पलायन नहीं होने देंगे, बिहार में फैक्ट्री लगाएंगे, ये बतिया काहे नहीं बोलते कि वो बोले थे कि सरकार बन जाएगा तो एक घंटा में दारू चालू करेंगे, यही तो कर रहे हैं कि जहर बेचने वाला काम कर रहे हैं, मतलब जहर बेचवा के आदमी को मारना बंद है, दारू बंद नहीं है, बंद है, ईमानदारी से बोलिए, ईमानदारी से बोलिएगा, आप हमको खुलियाम दिलवाइएगा, पेपर पर खाली बंद है, हमको खुलियाम दिलवाइएगा, कहा नहीं बिक रहा अभी, आप हमको पुलिस के सामने दिलवा सकते हैं, बिकने के लिए जहर, बिकने के लिए जहर बिक रहा है, पी के मर जाइए ना आदमी, काहे नहीं मर रहा, गजब आदमी है, दारू के बारे में बिहार में दारू बंद है, उसको आप देखते हो पटना जंक्शन में खुद रहते हैं, सुलेशन का आविष्कार हो गया, बीएस का आविष्कार हो गया, ये सब का आविष्कार किसने किया? नशा का आविष्कार हो गया, दारू बंद, इस नशा का आविष्कार बिहार में किसने किया? जब हमको सर ने जो कहा दारू चालू होना चाहिए, होना चाहिए बिहार में, चाहिए जी एकदम से होना चाहिए, जैसे कि बोलते हैं कि महिलाओं का दारू से बढ़ गया काम, महिलाएं तो कोर्ट में भटक रही है अपना पति को जेल से छुड़ाने के लिए, दारू से भ्रष्टाचार, पुलिस
राजा हुआ है इसमें, यहाँ पर पुलिस राजा हो गया, इतना कमाई हो गया भ्रष्टाचार जो है। मतलब मुख्यमंत्री आप चाहते हैं प्रशांत किशोर? जी हम चाहते हैं। आप तमाम लोगों की बातों को आप लोगों ने सुना, कई लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, और कुछ लोग वो भी है जो प्रशांत किशोर को भी समर्थन दे रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर एक अच्छा लीडर है, वो भी हो सकता है 2025 में मुख्यमंत्री बन जाए, उनसे हमारी उम्मीद है कि वो भी बेहतर काम कर सकते हैं, बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं जैसा कि उन्होंने वादा किया है। तो तमाम लोग थे, तमाम लोगों की बातों को आप लोगों ने सुना। आप किसे मुख्यमंत्री के तौर पर 2025 में देखना चाहते हैं कमेंट्स में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।